हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो का टॉपिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को रिइंफोर्समेंट डिटेल इन कॉलम बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं रिइंफोर्समेंट डिटेल इन कॉलम वाले ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है ये भी बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा और वीडियो देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग को रीड करने का तरीका बताता हूं, ताकि अगर आप कभी साइट विजिट करें और आपको कॉलम रिइंफोर्समेंट डिटेल वाला ड्राइंग दे दिया जाए तो आपको उसे समझने में कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिइंफोर्समेंट डिटेल इन कॉलम वाला ड्राइंग ओपन किया है, जिसमें कॉलम का साइज दिया हुआ है 10 इंच × 10 इंच और कॉन्क्रीट मिक्स इसमें यहाँ पे दिखाया गया है M20 का। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ है, उसमें इस तरह का डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर टू रूफ दिया हुआ है, उसमें इस तरह का कॉलम डिजाइन है और यहाँ पे नीचे में रिंग है और रिंग का डिजाइन इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझना है, उसके बाद मैं इसी चीज को बना करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर, यानी फाउंडेशन से लेकर के ग्राउंड फ्लोर तक कॉलम में रिइंफोर्समेंट का डिटेल इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें कॉलम कौन सा है और रिइंफोर्समेंट कौन सा है। यहाँ पे आप आउटर रेक्टेंगल जो देख रहे हैं वो कॉलम है और इनर रेक्टेंगल जो देख रहे हैं वो रिंग है। इस कॉलम में दो तरह का रिइंफोर्समेंट यूज किया गया है, एक को फिल करके दिखाया गया है और दूसरे को बिना फिल करके दिखाया गया है। फिल किया हुआ रिइंफोर्समेंट का डिटेल यहाँ पे है और विदाउट फिल किया हुआ रिइंफोर्समेंट का डिटेल यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल किए हुए रिइंफोर्समेंट के आगे में 4 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे टोटल फिल किया हुआ जो रिइंफोर्समेंट है वो टोटल 4 है और इसका जो डाया है वो 16 mm का है। और उसके बाद विदाउट फिल किया हुआ जो रिइंफोर्समेंट है उसके आगे में आप देख सकते हैं कि ये 2 है। आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि विदाउट फिल किया हुआ रिइंफोर्समेंट टोटल 2 यहाँ पे दिया हुआ है और उसका डाया जो है वो 12 mm का है। उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर टू रूफ का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, यानी फर्स्ट फ्लोर से लेकर के ऊपर रूफ तक का जो कॉलम होगा उसमें रिइंफोर्समेंट का डिजाइन इस तरीके से होगा। इसमें एक ही तरह का रिइंफोर्समेंट यूज किया गया है और उसको यहाँ पे विदाउट फिल करके दिखाया गया है। टोटल नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो 4 है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और इसमें जो इसका जो डाया होगा वो 12 mm होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में रिंग का डिटेल दिया गया है जो इस चारों रिइंफोर्समेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे हुआ रहता है, इसी को स्ट्रियप्स भी कहते हैं। उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 8 mm का होगा और 7 इंच सेंटर टू सेंटर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिटेल इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी चीज को अब मैं आपको प्रैक्टिकल बना करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम का साइज दिया हुआ है 10 इंच × 10 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे 10 इंच, 10 इंच का। कॉलम के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद रिंग बनाया जाता है और रिंग बनाने के लिए इसी रेक्टेंगल से अंदर की तरफ 1.5 इंच का ऑफसेट लिया जाता है। 1.5 इंच का ऑफसेट इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉलम में क्लियर कवर जो होता है वो 40 mm होता है और 40 mm अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच के बराबर होता है। तो इसलिए ऑफसेट लेंगे 1.5 का इस रेक्टेंगल से अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये रिंग बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख भी सकते हैं कि ये अंदर में एक रेक्टेंगल और है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे ऑफसेट लेकर के बनाया है। ये ऑफसेट हमेशा 1.5 इंच का ही लेंगे। सबसे पहले मैं फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर के लिए कॉलम रिइंफोर्समेंट जेल बना लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर टू रूफ के लिए बना लूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पे रिंग क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर में इसके चारों कॉर्नर पे एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है जो कि फील है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सर्किल कमांड को यूज करके 10-10 रेडियस वाले ऑप्शन के थ्रू फर्स्ट टेंजेंट इस लाइन को और सेकंड टेंजेंट इस लाइन को मानेंगे। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल जो है यहाँ पे 0.5 लेंगे। उसी तरीके से इस साइड भी सर्किल को बनाना होगा, उसके लिए फिर से सर्किल कमांड में आएंगे 10-10 रेडियस वाले ऑप्शन के थ्रू फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट और फिर 0.5 का रेडियस लेकर के सर्किल बना लेंगे। अब इस दोनों सर्किल को इसके नीचे में भी बनाना होगा, उसके लिए मिरर कमांड को यूज करके आसानी के साथ दोनों को नीचे में बना लेंगे। तो यहाँ पे अब मिरर लाइन जो होगा इसका मिड पॉइंट और फिर इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको यहाँ से नो कर देंगे। तो इस तरीके से इसके नीचे भी
मिरर होकर के आसानी के साथ चारों कॉर्नर पे सर्किल बन जाएगा। अब इस रिंग को इस सर्कुलर शेप में फिलेट करना होगा, उसके लिए फिलेट कमांड को यूज करेंगे और रेडियस वैल्यू यहाँ पे 0.5 लेंगे और फिर यहाँ से पॉलीलाइन वाला ऑप्शन के थ्रू इसको एक बार में पूरे को फिलेट कर देंगे, तो ये चारों कॉर्नर पे एक ही साथ फिलेट हो जाएगा। अगर आप फिलेट कमांड के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब इस पूरे ड्राइंग को कॉपी करके बगल में रख लेते हैं ताकि इसको दोबारा बनाना ना पड़े। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे जो चारों कॉर्नर पे सर्किल है वो फिल किया हुआ है और दो सर्किल जो है वो विदाउट फिल है। तो सबसे पहले ये विदाउट फिल किया हुआ सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वाले सर्किल को और इस वाले सर्किल को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कमांड को यूज करके इसका यहाँ से क्वाड्रेंट वाला बेस पॉइंट पकड़ेंगे और इसके मिड पॉइंट पे इसको रख देंगे। तो इस तरीके से उसके मिड में ये सर्किल बन जाएगा। उसके बाद अब इस चारों कॉर्नर वाले सर्किल को फिल करना होगा। तो फिल करने के लिए डूनट कमांड का यूज किया जाता है। उसके लिए आएंगे ड्रॉ मेन्यू में और यहाँ से डूनट कमांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डूनट, तो इनसाइड डायमीटर ऑफ डूनट जो है वो 0 रखेंगे और फिर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर ऑफ डूनट, उसको 1 रखेंगे। 1 इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सर्किल है उसका डायामीटर 1 है। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ डूनट, अब जहां जहां पे फिल करना है उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करिए। तो जहां जहां पे मुझे फिल करना है उसके सेंटर पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके चारों कॉर्नर वाला सर्किल जो है वो फिल हो चुका है और इसके बीच में जो सर्किल है वो विदाउट फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट फ्लोर टू रूफ। फर्स्ट फ्लोर टू रूफ में जो है चारों कॉर्नर पे जो सर्किल है वो विदाउट फिल किया हुआ है, जिसको कि ऑलरेडी मैंने कॉपी करके साइड में रख दिया था, तो उसको फिर से दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला नंबर आता है रिंग का। तो रिंग को ड्रॉ करने के लिए ये अंदर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वाला सर्किल को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज करके इसको बाहर में कॉपी कर लेंगे और फिर ये जो सर्किल आप देख रहे हैं इस सर्किल को ब्रेक कमांड की हेल्प से ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक कमांड को यूज करेंगे, BR लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ब्रेक ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पॉइंट मैं फ्री हैंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं फ्री हैंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे समझने के लिए ये आप देख सकते हैं ये जो रिंग है वो इस पोजीशन से शुरू हो करके इस तरीके से यहाँ से ऐसे आता है और फिर यहाँ से ऐसे आ करके इस तरीके से ये बैंड होता है और ये बैंड होकर के ये चारों कॉर्नर पे जो रीइन्फोर्समेंट होता है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो इस तरीके से कॉलम रीइन्फोर्समेंट डिटेल मैंने बता दिया और रिंग का डिज़ाइन भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से रिंग को ड्रॉ किया जाता है। अब जो यहाँ पे आप डिटेल देख रहे हैं इस डिटेल को भी बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले इस टेबल को मैं यहाँ पे फ्री हैंड लाइन कमांड की हेल्प से बना लेता हूँ। इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है तो इसको मैं फ्री हैंड ही इस तरीके से बना लिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट कमांड को यूज करेंगे और इस तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट हाइट में लेता हूँ 4, रोटेशन एंगल 0 और इसके अंदर लिख लेते हैं रीइन्फोर्समेंट डिटेल इन कॉलम। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, दिया हुआ है साइज और फिर दिया हुआ है कॉन्क्रीट मिक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस वाले लाइन को कॉपी करके इस तरीके से कर लेते हैं और फिर इसको ट्रिम करके यहाँ से ये रख लेते हैं और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइज और फिर इसी को नीचे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना है कॉन्क्रीट मिक्स, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको स्केल कमांड की हेल्प से इसको छोटा कर लेंगे और फिर इस दोनों को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके रख लेंगे और यहाँ पे साइज में देना है 10 इंच × 10 इंच और कॉन्क्रीट मिक्स में देना है M20 और ब्रैकेट के अंदर देना है 1:1.5:3 और फिर ब्रैकेट 1। तो इस तरीके से ये डिटेल तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है यहाँ पे फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहले यहाँ पे
फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर लिखना होगा। उसके लिए कमांड में टाइप करेंगे DT, जस्टिफाई, मिडिल वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे हाइट लेते हैं 4 और रोटेशन एंगल 45 और फिर यहाँ से लिखना, यहाँ पे लिखना होगा फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्केल काफी बड़ा हो गया है, तो इसको स्केल कमांड को यूज करके इसको छोटा कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद अब इस वाले लाइन को कॉपी करके सबसे पहले यहाँ पे रख लेंगे और फिर इसी चीज को कॉपी करके जस्ट इसके नीचे रख लेंगे। और अब यहाँ पे क्या लिखना होगा उसको यहाँ पे डिटेल में जाकर के चेक करेंगे। यहाँ पे लिखना है फर्स्ट फ्लोर टू रूफ, तो क्या करना होगा इसको लिखना होगा एडिट करके फर्स्ट फ्लोर और फिर इसको करना होगा रूफ। इस तरीके से ये हो गया और फिर इस वाले लाइन को कॉपी करके इसके नीचे यहाँ पे सेट कर लेंगे और इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर में इस वाले कॉलम को एडजस्ट करना होगा, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और फर्स्ट फ्लोर टू रूफ में इस वाले कॉलम को एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिंग के लिए उसका डिटेल लिखना होगा, तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट कमांड को यूज करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे DT, जस्टिफाई, मिडिल सेंटर, मिडिल सेंटर यहाँ पे मान लेंगे, हाइट 4 इंची, रोटेशन एंगल यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है उस चीज को यहाँ से देखना होगा। यहाँ पे है 8 डाया रिंग्स, तो सबसे पहले 8 लिखेंगे और डाया के लिए शिफ्ट के साथ %% और उसके बाद एक बार सी प्रेस करेंगे तो वो डाया हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखना है रिंग्स, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे, @7 इंची सेंटर टू सेंटर और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्केल काफी बड़ा हो गया है, तो स्केल कमांड को यूज करके इसका स्केल यहाँ से छोटा कर लेंगे। तो इस तरीके से ये छोटा हो जाएगा। अब इस लाइन को कॉपी करके इसके जस्ट नीचे रख लेंगे और फिर एक्सटेंड कमांड को यूज करके इस तीनों लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और अब इस रिंग को मूव कमांड की हेल्प से इसके अंदर सेट कर लेंगे। इस तरीके से ये सेट हो गया। अब यहाँ पे इस रिइंफोर्समेंट का डिटेल लिखना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिटेल इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस फिल किए हुए रिइंफोर्समेंट को कॉपी करके बाहर रख लेंगे इस तरीके से और फिर किसी एक टेक्स्ट को कॉपी करके इसके आगे में रख लेंगे और फिर टेक्स्ट एडिट कमांड की हेल्प से इसको एडिट कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 हाइफन का सिंबल देंगे, 16 mm, डाया के लिए क्या करना होगा %% C। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको हल्का सा मूव करके इसके बगल में रख लेंगे और फिर इस दोनों को मूव करके इस साइड थोड़ा सा इधर कर लेंगे और फिर अब क्या करना होगा, इस विदाउट फिल किए हुए सर्किल को कॉपी करना होगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से रखना होगा और फिर क्या करना होगा, इसी टेक्स्ट को अब कॉपी कर लेंगे इसके आगे में और फिर अब यहाँ पे ये देना होगा 2 hyphen 12 mm और डाया के लिए क्या करना होगा %% C। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब बीच में प्लस का भी सिंबल देना है, तो प्लस का सिंबल देने के लिए क्या करना होगा, इसको बाहर में कॉपी करके रख लेते हैं और इसको एडिट करके इसको प्लस लिख लेते हैं और फिर इसको मूव करके इसके बीच में इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चीज यहाँ पे है उसी चीज को मैंने सेम टू सेम यहाँ पे बना दिया है। आपको सिर्फ तरीका सीखना है कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है और फिर यहाँ पे भी उसी तरीके से इसको क्या करना होगा, कॉपी करके बाहर में रखना होगा और फिर इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे और फिर एडिट करके 4 hyphen 12 %% C। तो इस तरीके से ये डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी बना दिया। तो इस तरीके से ये डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कॉलम में रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन बनाया जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए।
आने वाले दिनों में मैं अलग अलग साइज के कॉलम का रिइंफोर्समेंट डिटेल बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।